हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की मैथ में प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का माशा ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार हमने प्रश्न 1 किया था, उसी प्रकार से प्रश्न 2 भी हल कर लेना है, लेकिन इसमें से एक पॉइंट थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर तीन संख्या लिखी हुई हैं। यहाँ पर कितनी संख्या लिखी है? 3, 1, 2, 3। तो 2 में तो मैंने आपको बताया है किस प्रकार से आपको यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाना है और उसके साथ ही किस प्रकार से आपको निकालना है। अब तीसरे में हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो ये देख लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इन दो संख्या का क्या करेंगे, माशा करेंगे, यानी SCF। तो इन दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी है? 567, यानी 567, 567 हमने लिखा है, इस प्रकार लिखा। अब 441 हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। अब ये एक ही बार में जाएगा 441, दो बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, लिख लिया 441। 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, आ गया 126। अब 126 का करेंगे 441 में, तो हम इसका करेंगे 3 बार में, क्योंकि 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 3 बार में करेंगे। आ जाएगा 378, यानी 378। अब देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, तो इससे हम एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, और 11 में से 8 गए, बचा 3। अब बचा यहाँ पर 3, अब इससे एक यहाँ पर हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अब 13 में से 7 गए, बचा 6। अब 63 का क्या इसमें करेंगे, 126 में, 63 का भाग करेंगे 126 में, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, दो बार में। तो दो बार में 126 आ जाएगा, 63 का अगर हम दो बार में करेंगे तो आ जाएगा 126। तो देखिए, जब तक करते हैं जब तक कि हमें शून्य प्राप्त ना हो जाए। 126 का 126 में माइनस किया तो आ गया शून्य। अब हमें प्राप्त हो गया शून्य, तो चरण फर्स्ट, यानी चरण हो जाएगा फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड। तो ये तो हो गए, इन दोनों संख्याओं का हमने क्या निकाला, SCF निकाल लिया है इन दोनों संख्याओं का। अब बची हमारी 693, ये संख्या हमारी बची हुई है अभी। तो हम क्या करेंगे, 63 से क्या आया हमारा, शून्य आया, तो हम 63 का भाग देंगे ये वाली संख्या में। तो देखिए, अब इसका भाग करते हैं, 63 भाग करेंगे 693 में। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बड़ी संख्या आ जाती है तो हम लोग किस प्रकार से भाग करते हैं आसानी से। देखिए, यहाँ पर है दो संख्या, 1, 2, यहाँ पर है 1, 2, 3, 3 संख्या है। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, तो 2 संख्या से भाग देंगे। तो देखिए, 63 का इसमें करेंगे तो एक बार जाए, तो एक बार में आ जाएगा 63। अब इसका माइनस करेंगे, 9 में से 3 गए 6, इंटू यहाँ पर बचा 6 में से 6 जाएगा तो बचा कुछ नहीं। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, 3 को उतार लिया। अब क्या ये वाली संख्या का ये तो कट जाएगा एक ही बार में, तो 693 कट गया 11 बार में, कितने से कट गया, 63 से। तो यहाँ पर आ गया शून्य। तो अब इसको ये हो गया चरण फोर्थ, थर्ड तो यहाँ पर हो गया था, ये हो गया फोर्थ। अब मैंने जो आपको फार्मूला बताया था वो वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। इसी फार्मूले से आप लिख देते हैं। इसमें देखिए, पहला वाले चरण में क्या है, यहाँ पर लिखते हैं चरण, चरण फर्स्ट बराबर भाज्य, तो भाज्य इसमें है
567। बराबर भाजक, भाजक है कितना 441, तो लिखेंगे 441 गुणे भागफल आयता 1, यह आ गया 1 प्लस शेषफल आयता 126, यह आ गया। अब लिखेंगे क्योंकि 126 बराबर नॉट शून्य, यहाँ पर इस तरह से काट देते हैं बराबर करके, तो इससे हमें पता चलता है कि 126 बराबर शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब चरण सेकंड में भी कुछ इसी प्रकार से कर लेते हैं। चरण सेकंड इसमें भाजक है 441 बराबर भाजक है 126 गुणे भागफल है 3 प्लस और शेषफल है 63। तो 63 बराबर नॉट शून्य, चरण थर्ड कर लेते हैं, 126 बराबर 63 भाजक हो जाएगा ना, भाजक है 63 गुणे भागफल है 2 प्लस शेषफल आया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। अब चरण लिखेंगे, चरण लिखेंगे फोर्थ, तो चरण फोर्थ में भाजक था 693 बराबर भाजक था 63, 63 गुणे भाजक है सॉरी भागफल है 11 प्लस शेषफल आया 0। तो 63 बराबर करके लिख देंगे 0 और यहाँ पर लिख देंगे शेषफल, शेषफल 0 आया, सॉरी शेषफल 0 है, ये लिख देंगे। इस प्रकार से ये सवाल पहला सॉल्व हो गया है, दूसरे का पहला। अब जो दूसरा है वो भी इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है। अब जो यहाँ पर देखिए तीसरा है 650 और 1170, तो इसको देखिए आप कैसे करेंगे, इसको देखिए इसी प्रकार से कर लेंगे जिस प्रकार से हमने ये दोनों संख्या का किया था। फिर आपको ये तीसरी संख्या का करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं दी है, तो आप लोग केवल इसी प्रकार से चरण निकाल लेंगे इस संख्या, इन दोनों संख्या का। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पहला वाला पार्ट देख सकते हैं मैथ प्रश्नावली का 1.1 का, प्लेलिस्ट में है 10वीं में, उसमें मैंने बना रखी है वीडियो की प्लेलिस्ट। तो इसमें मैं आपको चौथा बता देता हूँ, तो जिससे ये होगा कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है। तो देखिए इसमें दो संख्या है, चौथे वाले में 870 है और क्या है 225 है। तो तीसरा तो मैंने आपको बताया कि इसी, चौथा बता देता हूँ मैं आपको, तो तीसरा आपको आसानी से पता चल जाएगा किस प्रकार से करना है। तो ये देखिए चौथा बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखा है 870, यहाँ पर लिखा है 225, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या है 870, तो यहाँ पर लिखेंगे 870 और भाग देंगे 225 से। तो इसका हमने इसमें भाग दिया तो 3 बार जाएगा, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में आया है 675। तो हम क्या करेंगे, 870 में से 675 को माइनस कर दिया तो आ गया 195। अब 225 को
भाग देंगे 195 में, 195 से भाग देंगे 225 में। दो बार से तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार से काटेंगे। तो लिखा हमने एक बार में लिखा 105 में से 5 गया 0, ठीक है। अब 22 में से 19 गए, बचा 3, 30 बचा। अब 30 में से इसका भाग देंगे, इससे भाग देंगे 30 का, तो 195 6 बार, 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 बार में देंगे, तो आ जाएगा 180। अब इसका माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। अब 15 का इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे 30 में, 15 से 30 में भाग दिया तो कितनी बार, दो बार कट गया, आ गया 30। अब 30 में से 30 गया, बचा 0। तो ये क्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। यहाँ पर लिख देते हैं हम चरण फर्स्ट, और यहाँ पर लिख, तो 4 चरण बन गए हमारे, 4 चरण बन गए। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे भाज्य बराबर, अब मैं आपको वो फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं संख्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो 870 है भाज्य, 870 बराबर भाज्य है, और 225, 225 है भाजक, 225 भाजक, गुणे भागफल है 3, प्लस शेषफल है 195। तो लिखेंगे 225 बराबर नॉट 0। 225 का इसका मतलब ये होता है कि 225 का हमने भाग करा, किससे करा, भाज्य से किया, यानी 870 से किया, तो हमें 0 नहीं मिला है, तो हमने इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्योंकि, बराबर करिए। अब ये हो गया हमारा चरण फर्स्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ। चरण सेकंड में भाज्य था 225 बराबर भाजक था 195 गुणे भागफल था 1 प्लस शेषफल है 30। ये हो गया चरण सेकंड। तो 195 बराबर नॉट 0, ये हो गया चरण सेकंड। अब चरण थर्ड में लिखेंगे 195 बराबर भाज्य था इसमें 30, सॉरी भाजक है ये 30, गुणे भागफल है 6 और शेषफल आया था 15। तो 30 बराबर नॉट 0। अब लिखेंगे 30 है क्या, भाज्य बराबर भाजक है 15, भाजक है 15 गुणे भागफल है 2, शेषफल आया 0। तो 15 बराबर 0, तो शेषफल 0 है, तो आंसर हो जाएगा यही। इस प्रकार से है, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको कैमरे में बताना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने किया है, तो करने का सेम प्रोसेस वही है जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको किस प्रकार से करना है, बस संख्या अलग है। तो आपको मैं बता देता हूँ संख्या का, जैसे कि कोई बड़ी संख्या है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग देखिए किस प्रकार से करा कीजिए। जैसे कोई बड़ी संख्या है, जैसे मैं लिखता हूँ एक संख्या, किसी का दूसरी संख्या में लिखा हुआ है 1600, लिखा है 20, बराबर बराबर संख्या है तो ठीक है, उससे तो छोटी संख्या पड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1725। अब ये बड़ी संख्या है तो एक ही बार में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1600 है, 1600 का डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, तो यहाँ तक तो हमें सही लगता है कि यहाँ पर हम लोग भाग कर लेंगे आसानी से। लेकिन हमें जैसे कि यहाँ पर संख्या है 200,
25 और भाग देना है हमें 1725 में। तो हम लोग इससे में क्या करेंगे, जैसे तीन संख्या यहाँ है, तीन संख्या यहाँ से भाग देंगे, और फिर जब यहाँ पर ये संख्या से भाग देने पर हमें यहाँ पर भागफल प्राप्त हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो माइनस करेंगे यहाँ पर जो हमें संख्या मिलेगी उसका माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये जो 5 है यहाँ को उतार लेंगे। तो इसी प्रकार से करते हैं भाग बड़ी संख्या का और छोटी संख्या को किस प्रकार से करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।